अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पहले उसका एक बिल्कुल फास्ट सा रिवीजन कर लेंगे और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे तो हम वो पढ़ेंगे। तो अगर लास्ट क्लास से किसी को कोई मसला है, अगर लास्ट क्लास लेने के बाद कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछिएगा कि आपने लास्ट क्लास नहीं ली और फिर बिला वजह में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स की जो एक्सप्रेशन है, जो इनका ट्रुथ टेबल है ना, इसको रटना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सही आ रही है आवाज़? सही है। अच्छा, तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमें पता है 7 गेट्स होते हैं, जिनमें 3 बेसिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। इनको बेसिक गेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गेट को मिला के हम सारे गेट्स बना सकते हैं। हम एंड और नॉट से जो है वो नैंड बना सकते हैं, नॉर बना सकते हैं, और एक्स और बना सकते हैं, एक्स नॉर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बेसिक गेट्स कहा जाता है। ठीक है, सातों के सातों गेट्स की लॉजिक याद रखना, बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना और इनकी सिंबल याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसकी जो ये चीज़ें याद रखने की है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अब मैं तो आप लोगों को रट्टा नहीं लगवा सकती इस चीज़ का। इस तरह से याद रखें कि एंड है कि अगर लेफ्ट और राइट यानी कि दो चीज़ें अगर ट्रू होती हैं तो ही एंड जो है वो ट्रू होता है, नहीं तो एंड फॉल्स होता है। यानी कि सारी इनपुट्स 1 होंगी तभी ये 1 होगा, उसके अलावा ये 1 नहीं होगा, फॉल्स रहेगा। अगर जो है वो अगर जो है वो और है तो और का होता है ये या फिर ये। तो यानी कि अगर कोई एक इनपुट भी 1 आ जाती है ना, तो इसका आउटपुट 1 हो जाता है, बाकी ये 0 रहता है। ठीक है, इसकी जो है वो प्लस की एक्सप्रेशन होती है, इसकी जो है वो प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन होती है। अच्छा, जो नॉट होता है उसके अंदर एक ही इनपुट जाती है, एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, तो जो इनपुट देते हैं उसके ऑपोजिट आउटपुट आती है, यानी कि 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, नैंड गेट एंड गेट का ऑपोजिट है, नॉर गेट और गेट का ऑपोजिट है, एक्सऑर गेट में ये होता है कि अगर सेम इनपुट हुई, सेम इनपुट यानी कि 0 0 हुई तो 0 रहेगा, 1 1 हुई तो 0 रहेगा। अगर इनपुट चेंज है, यहाँ के 0 1 है, 1 0 है, तो फिर वो 1 रहेगा। एक्स नॉर एक्स और का ऑपोजिट है, यानी कि सेम इनपुट होंगी तो वो 1 रहेगा, सेम नहीं होंगी तो फिर वो 0 रहेगा। ठीक है, ये बूलियन एलजेब्रा के रूल्स हैं, ये याद करने की ही हैं चीज़ें। अगर हम कार्नोफ मैप पे देखें तो कार्नोफ मैप पे हम अप्लाई करते हैं, लाइक अगर ए इंटू ए करते हैं तो उसका आंसर ए ही आता है, और ए इंटू ए बार करते हैं तो वो कट हो जाता है। ठीक है, और जो ए इंटू ए करते हैं ए आ जाता है, ए बार इंटू ए बार करते हैं तो वो भी ए बार आ जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स जो हैं वो बेसिकली उसमें काम आते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ में काम आते हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो बेसिकली क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ के 2 थियोरम हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था तो इसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ के 2 थियोरम हैं। एक थियोरम कहता है कि अगर कंडीशन है आपकी एक्स वाई का बार, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार प्लस वाई का बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक्स और वाई जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि एंड गेट है, यह एंड गेट पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो इक्वल्स टू है वो क्या है, वो यहाँ पे और गेट अप्लाई हो रहा है, और गेट, और दोनों पे सेपरेटली बार लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्यों, लेकिन इसको रटना है आपने, ये कि एक्स वाई का बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार प्लस वाई का बार। सेकेंड थ्योरम है कि यहाँ और गेट है, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार इंटू वाई का बार। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों ना थोड़े बहुत ना सेम सेम है। कैसे? यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एंड गेट है, राइट हैंड साइड पे और गेट है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और गेट है, राइट हैंड साइड पे एंड गेट है। यहाँ पे जो एंड गेट हो रहा है वो होल बार में चल रहा है, यहाँ जो और गेट हो रहा है वो सेपरेटली बार्स लगे हुए हैं।
जहाँ जो और गेट है वो होल बार हो रहा है और जो एंड गेट है वो सेपरेटली बार्स है, ठीक है? बस इन दोनों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको ना इन्होंने थोड़ा सा प्रूफ भी किया हुआ है कि इस तरह से है कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार वाई का बार, ठीक है? आप इसकी डायग्राम बना लो, तो ये और गेट है, तो और गेट में इन्होंने आगे वो छोटा सा इन्वर्टर लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया नॉर गेट, ठीक है? तो ये सिंपल और गेट कह सकते हैं। और का इसलिए कहा गया है क्योंकि हम हमेशा ना बेसिक गेट्स का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए और का इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। तो इसको हम नॉर गेट भी कह सकते हैं, नॉर गेट इज इक्वल्स टू एक्स बार इंटू वाई बार, तो ये नैंड गेट बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर गेट इस्तेमाल किया हुआ है, एक्स वाई को इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब ये क्या है, एक्स का बार वाई का बार, यानी कि एक्स पे सेपरेटली बार लगाया हुआ है, वाई पे सेपरेटली बार लगाया हुआ है, तो ये नैंड नहीं बनेगा, ये एंड ही है, लेकिन एक्स और वाई दोनों पे सेपरेटली बार लगाया हुआ है, ठीक है? अगर इस वाली का देखें तो इसमें नैंड गेट है, ठीक है? और जो एक्स प्लस वाई पे लगाया हुआ है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों पे अलग अलग बार लगा के इसको इस तरह से किया हुआ है, इनके ट्रुथ टेबल बनाए हुए, ट्रुथ टेबल बना के इसको प्रूफ किया हुआ है, सही है? तो ये है। अच्छा, उसके अलावा अब आता है सवाल कि जब आपको डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके जब वो सवाल देंगे तो आपको उस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? अगर कोई चीज़ समझ ना आए, लगे मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ बता देना। नेगेटिव क्यों बोलते हैं एंड और नॉट को? इसलिए इनको नेगेटिव कहा गया है क्योंकि अगर और पे हम नेगेटिव लगा दें तो वो नॉर बन जाते हैं, पर हमें यहाँ पे अगर हम इसको नॉर करेंगे तो वो ना इस पूरे पे बार लगा देगा, हमें पूरे पे बार नहीं लगाना, हमें सेपरेटली दोनों पे बार लगाना है। तो हमने क्या किया है, इसके ना एक्स पे भी इन्वर्टर लगा दिया, वाई पे भी इन्वर्टर लगा दिया, उसको ना नेगेटिव और कह दिया, ठीक है? नेगेटिव और वैसे नॉर को ही कहते हैं, लेकिन नॉर का ये होता है कि वो ना आउटपुट पे इन्वर्टर लगा देता है, यहाँ पे हमने इनपुट पे इन्वर्टर लगाया है, ठीक है? तो इस वजह से नेगेटिव हम बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट गेट के लिए, नेगेटिव का वर्ड, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अच्छा, डी मॉर्गन थ्योरम, अब इसको गौर से देखिएगा, इन्होंने हमें सवाल दिया है, एक्स वाई का एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल बार है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार है, इन दोनों को डी मॉर्गन थ्योरम लगा के सॉल्व करें, ठीक है? तो इस वाले पे जो है वो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है? सही है, फर्स्ट थ्योरम हमारे पे पास क्या था, एक्स इंटू वाई का होल बार। अच्छा, वेरिएबल्स जो हैं वो जितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी हो सकता था, हमने जो थ्योरम में जी, पढ़ा वो, जी हेलो, अहमद भाई कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा यार सॉरी, दो हाँ, मोबाइल्स खराब हैं इसलिए डिस्टर्बड आ रही है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे है एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल बार, तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम अप्लाई हो रहा है, जिसका क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बार का होल बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार प्लस वाई का बार प्लस जेड का बार, ठीक है? तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा सेकंड थ्योरम, इसका कैसे होता है, एक्स का बार इंटू वाई का बार इंटू जेड का बार, और ये सॉल्व हो गए, ठीक है? ये दोनों लेकिन टीचर जो हैं वो इतना आसान नहीं देंगी, वो थोड़ी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस देंगी, ये बिल्कुल बेसिक है इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अच्छा, अब जो है दूसरा सवाल है, एक्स वाई एक्स सॉरी डब्ल्यू इंटू वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल बार, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ठीक है? डब्ल्यू बार डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार को हम सॉल्व कर देंगे, डब्ल्यू बार इंटू एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, जो
इक्वल्स टू करके हम लिखते हैं ना तो उस पर हमेशा सेपरेट बार आ जाता है. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट कर रहा है तो लेफ्ट तो राइट हैंड साइड पे बार हमेशा सेपरेट रहेगा और जो है वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है. यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा और लेकिन बार हमेशा सेपरेट रहेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे होल बार रहता है, राइट हैंड साइड पे सेपरेट बार्स रहते हैं. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी छोटी हमने देख ली है कैसे सॉल्व करते हैं. अब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आई है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आई है ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी सी का होल बार. ठीक है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ना, ये एक ब्रैकेट को हम एक्स ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट को हम वाई ले लेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई का होल बार बना हुआ है. ठीक है, ये एक्स वाई का होल बार बना हुआ है. अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स का बार प्लस वाई का बार. ठीक है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट को हमने इस तरह करके होल बार करके फिर प्लस का साइन लगा के दूसरे को होल बार कर दिया. ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया. अब ये जो दोनों है ना ब्रैकेट्स, ठीक है, गौर से सुनिएगा. हमने सबसे पहले क्या किया है, इस एक्सप्रेशन में एक ब्रैकेट को हमने x ले लिया, एक ब्रैकेट को y ले लिया. तो ये क्या बन गया, x इंटू वाई का होल बार, जो खुल के बनता है x का बार प्लस y का बार. ठीक है, यानी कि एक ब्रैकेट का बार प्लस दूसरे ब्रैकेट का बार. अब ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन को मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे. सही है, मज़ीद इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर ए बी को हम एक ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, प्लस सी को हम वाई ले लेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल बार. सही है, यहाँ पे आ रहा है सेकंड थ्योरम. यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट थ्योरम लगा के ये बना दिया, अब हमने सेकंड थ्योरम अप्लाई करना है. सेकंड थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो उस पर क्या आया, क्या बनता है, एक्स का बार इंटू y का बार. ठीक है, तो यहाँ पे ये x का बार लगा दिया इंटू y का बार लगा दिया. ठीक है, प्लस इस पे भी हमने सेम वही कंडीशन अप्लाई किया, x का बार इंटू y का बार. अब इसको मज़ीद और ज़्यादा कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको मज़ीद और ज़्यादा कैसे सॉल्व करेंगे. अब ये दोनों जो है वो क्या बन गया, एक मिनट, ए बार. अच्छा, ए बार और बी सी. ठीक है, यहाँ पे ए बी को जो है वो हम एक्स वाई का होल बार कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम बी सी को एक्स वाई का होल बार कर लेंगे. यानी कि फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या होता है, ए इंटू बी का होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया ए बार प्लस बी बार इंटू सी बार, तो ऐसे ही आ गया जो पहले से था, प्लस ए का बार इंटू फिर आया बी का बार प्लस सी का बार. ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा जो है वो हम इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, दोनों थ्योरम्स को रखते हुए हम एक डी मॉर्गन लॉ को जितना सॉल्व कर सकते हैं हम उतना कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब और कितना सॉल्व कर सकते हैं हम डी मॉर्गन लॉ को. ठीक है, तो जितना सॉल्व किया जा सकता था उतना कर दिया, अब और ज़्यादा नहीं कर सकते. तो ये इतना, दैट्स इट हो गया. ठीक है, अब आगे ही एक एग्जांपल है, ये थोड़ी ज़्यादा बार वाली इन्होंने दे दी. ठीक है, इसमें क्या इन्होंने सिंपल किया है, ए प्लस बी इंटू सी बार का होल बार. ठीक है, यानी कि सी पे अलग बार लगा है, ए प्लस बी इंटू सी का भी बार है, प्लस D इंटू ई प्लस एफ का बार, और फिर E प्लस एफ पे पूरा बार लगा हुआ है, और फिर इस पूरी टर्म के ऊपर बार लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ क्या किया है कि सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई टर्म्स. सही है, सबसे पहले आप देखो कि आप किस किस पे थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपल
इस पूरी टर्म को जो है वो एक्स कर दिया और इस पूरी टर्म को वाई कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, एक्स प्लस वाई का होल बार, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल बार जो है वो हमारा सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम क्या बन जाता है हमारा, एक्स बार इंटू वाई बार। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया, सबसे पहले यही कर दिया, ठीक है, इस तरह से करके लिख दिया। ये रहा, ये वाला जो स्टेप आ रहा है ना, ये इन्होंने इसी तरह से करके लिख दिया, x का बार इंटू वाई का बार, सही है। अब यूज रूल 9, ठीक है। हमने हमारे जो बूलियन एलजेब्रा थे ना उसमें रूल नंबर 9 पे था, a का जो डबल बार होता है ना वो इक्वल्स टू a के होता है, ठीक है। तो डबल बार क्या होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस पूरी टर्न पे जो है वो हमारे यहाँ पे डबल बार है, तो यहाँ के जो डबल बार हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये डिमॉर्गन लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे इस पे बूलियन एलजेब्रा रूल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल का है ही ये कि डिमॉर्गन लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा जो है वो बूलियन एलजेब्रा रूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ क्या किया है कि ए प्लस बी सी का बार इंटू होल बार का इंटू होल बार, जो जो डबल बार आ रहा था ना वो कैंसिल कर दिया, तो अब ये इक्वेशन कुछ यूँ बन गई, ठीक है। मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये वाली इक्वेशन यूँ बन गई, ए प्लस बी इंटू सी का बार इंटू डी इंटू ई प्लस एफ बार इंटू ई प्लस सॉरी एफ का बार है, फिर ई प्लस एफ बार के ऊपर भी एक बार है, और फिर डी इंटू ई प्लस एफ के ऊपर भी एक बार है, ठीक है। तो ये जो अब सेकेंड टर्म है ना, अब इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर डिमॉर्गन लॉ किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो डी है ना, डी को जो है वो हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, और ई प्लस एफ को जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं वाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया एक्स इंटू वाई का होल बार। एक्स इंटू वाई का होल बार जो है वो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, जो कि ओपन होता है एक्स बार इन प्लस वाई बार पे, ठीक है। तो अब ये देख लें आप, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसे ही रही, सेकेंड टर्म पे हमारे ये बार आ गया, ठीक है। अब हमने ऐसा किया भी क्यों है, ठीक है। आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करें ना, आप देखते भी जाएँ कि इसके ऊपर बार था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन इस तरह से बन गई, अब इस पे जो है इस पूरे पे बार आ रहा था, लेकिन इस पे डबल बार नहीं होता जो हम कैंसिल कर पाते। तो हमने इस पे जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया तो ये बन गया डी बार प्लस ई प्लस एफ बार का इंटू डबल बार आ रहा है, ठीक है। तो इस डबल बार को जो है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि हम और ज़्यादा इस पर कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इस पर और ज़्यादा कुछ अप्लाई कर सकते होते तो हम ज़रूर अप्लाई करते, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस हम इसको यहीं पे इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, एक चीज जी, हाँ, जैसे हमने क्या कहते हैं स्टेप 2 या 3 में और स्टेप 5 में जैसे हमने जो रूल यूज करे डबल बार वाला, तो जैसे अगर सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रूल बताना होगा विद रूल नंबर? नहीं नहीं, रूल नंबर नहीं बताना होगा, आप बस इतना बता सकते हो कि a बार इज इक्वल्स टू a है, तो इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया, नंबर बताने की जरूरत नहीं है। वो इन्होंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हम एक बूलियन एलजेब्रा रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। सही। अच्छा, अब यही इस तरह की कुछ एक्सप्रेशंस हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू डी का होल बार है, ठीक है, ए बी सी प्लस डी ई एफ का होल बार है, इस ए बी सी को हम x ले लेंगे प्लस डी ई एफ को y ले लेंगे, इस तरह से ना हम इनको सॉल्व करते हुए ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये मैं नहीं समझा रही, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये a का आंसर है, ये b का आंसर है, ये c का आंसर है, फिर और एग्जांपल्स हैं, ये a का आंसर है, b का आंसर है, c का आंसर है, ठीक है। तो आपका डिमॉर्गन लॉ यही हो गया, ठीक है। मैं आगे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब आप लोग खुद पहले का खोल के बैठेंगे ना, आपको समझ आएगा, तो आगे आप लोग फिर खुद से सॉल्व करने लगेंगे। मैं अभी समझाऊंगी तो अगर पहले का समझ नहीं आया तो आगे का और ज़्यादा खिचड़ी लगेगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिएगा, चीज़ों को मिक्सअप मत करिएगा, जहाँ आपने किसी चीज़ को मिक्स किया वहाँ पे
भंड हो जाएगा, ठीक है? तो मिक्सअप बिल्कुल नहीं करिएगा. अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया. बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होती है, ये जो भी एक्सप्रेशन मिलती है हमें ये बुलियन एक्सप्रेशन होती है, ठीक है? इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनती है हमें पता है कि हम एक्सप्रेशन को गौर से देखते हैं. जैसे यहाँ पे जो है वो एंड गेट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एंड गेट यूज़ हो रहा है, और इन दोनों को मिला के और गेट यूज़ हो रहा है. और गेट में कितनी इनपुट जा रही हैं, एक दो इनपुट. एंड गेट में कितनी जा रही है, एक एंड गेट में तीन जा रही हैं, दूसरे एंड गेट में तीन जा रही हैं. नॉट गेट कहाँ लग रहा है, जहाँ पे बार आ रहा है, यहाँ पे बार आ रहा है, ये नॉट गेट हो गया, यहाँ बार आ रहा है, नॉट गेट हो गया, ठीक है? तो ये सर्किट डायग्राम्स हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं. ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, हम 2 की पावर n रख के जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितने बिट्स का बनाना है. 2 की पावर n, n जो होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? 2 वेरिएबल्स का, तो 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 बिट का आपका ट्रुथ टेबल बनेगा, ठीक है? और फिर उसी हिसाब से आप ये पूरा ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करते हैं. अच्छा, सही है. सम ऑफ द प्रोडक्ट, जो के हर जो एक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए बी एक पार्ट है, बी बार इनटू सी एक पार्ट है, ए सी एक पार्ट है, ये जो सारे पार्ट्स होते हैं ये इनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में एंड गेट की कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, और ये सारे पार्ट्स आपस में जो हैं वो और गेट की कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट. सही है, सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि सम इन प्रोडक्ट्स का, ठीक है? तो शॉप की भी ट्रुथ टेबल हम निकाल सकते हैं. सही है, ट्रुथ टेबल निकाली, इसकी डायग्राम बना दी. प्रोडक्ट ऑफ द सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट का ऑपोजिट होता है. वहाँ पे सम हो रहा होता था प्रोडक्ट टर्म्स का, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है सम टर्म्स का, ठीक है? बस पॉज का ना हमेशा ना हम वो कर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जो सम होता है वो तो हम बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, उसके कार्नोफ मैप बनाना, उसका ट्रुथ टेबल बनाना, लेकिन पॉज पे ना हम हमेशा घबरा जाते हैं, ठीक है? अच्छा, एक ना वो एक बात याद रखिएगा, टीचर ने कहा है कि वो ना लॉजिकल पेपर देंगी, वो पेपर बहुत ज़्यादा घुमा के देंगी, ठीक है? एक सवाल में वो ये भी पूछ सकती हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? मैक्स टर्म और मिन टर्म, दो ये वो वर्ड यूज़ करेंगी, ठीक है? लेकिन आपको बताएंगी नहीं कि इस इक्वेशन को आपको पॉज से करना है या सॉप से करना है, ठीक है? वो एक मिन या मैक्स टर्म का वर्ड यूज़ करेंगी. तो याद रखिएगा, मिन टर्म सॉप के लिए यूज़ होता है, मैक्स टर्म पॉज के लिए यूज़ होता है, ठीक है? मिनिमम टर्म सॉप के लिए यूज़ होता है, मैक्सिमम टर्म पॉज के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इसको जहन में बिठा लेना. ए बी एक क्वेश्चन भी देखेंगे, वो क्वेश्चन पेपर में आया भी था, तो उससे भी अच्छा आइडिया हो जाएगा. अच्छा, पॉज का जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, तो जहाँ पे हम जो सम करते हैं ना, तो सम में क्या करते हैं, हम आउटपुट में 1 लिख देते हैं, और बाकी जो भी जगह बचती है वहाँ पे हम 0 कर देते हैं, और जो 1 की टर्म होती है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है? कैसे लिखते हैं, जो 0 होता है उसको बार लेते हैं, जो 1 होता है उसको विदाउट बार लेते हैं. अच्छा, अब यहीं पे जो है वो पॉज को आ रहा है, ठीक है? पॉज पे क्या करते हैं, हम 0 लिखते हैं, ठीक है? वहाँ शॉप में 1 लिखते हैं, पॉज में 0 लिखते हैं, ठीक है? और जो जगह बच जाती है उसको 1 कर देते हैं, ठीक है? शॉप में जो है वो हम 0 को विदाउट बार कंसिडर करते हैं, और 1 को हम विद बार कंसिडर करते हैं, ठीक है? शॉप का बिल्कुल उलट जो है वो पॉज होता है. शॉप में हम 0 को बार कंसिडर करते हैं, 1 को विदाउट बार कंसिडर करते हैं. पॉज में जो है वो हम 0 को विदाउट बार कंसिडर करते हैं, और 1 को विद बार कंसिडर करते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे 0 0 0 है, तो इसकी इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी प्लस सी. ये है 0 1 0, ठीक है? तो ये आपका ए है, तो ये आ जाएगा ए, ये बन जाएगा बी बार, ये बन जाएगा सी, ठीक है? तो ये पॉज का हमेशा याद रखना. अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि आपको अगर कोई इक्वेशन मिलती है तो उस इक्वेशन को अगर कार्नोफ मैप बनाना है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, टीचर ने एक सवाल दिया है
उन्होंने कहा है कि ये जो है ये टर्म है, इक्वेशन है, इसका कार्नोफ मैप बनाओ. ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो या कुछ करो. उन्होंने सिंपल कहा है कि इसका कार्नोफ मैप बनाओ. कार्नोफ मैप बनाने का सबसे पहला रूल है कि जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है कि ये जो हर पार्ट है ना, ये सारे जो पार्ट हैं आपकी इक्वेशन के, इसके अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो, ठीक है, कि आपके जो एक्सप्रेशन में है वो वेरिएबल्स टोटल हैं कितने. ठीक है, इस एक्सप्रेशन में जो है तीन हैं, ए बी सी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो तीनों हैं, सेकंड पार्ट में ए और बी यानी कि सी मिसिंग है, थर्ड पार्ट में ए बार सी बार यानी कि बी मिसिंग है. ठीक है, तो फिर आप चेक करोगे कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स मिसिंग है. तो हमने चेक कर लिया, फर्स्ट में सारे हैं, सेकंड में सी मिसिंग है, थर्ड में बी मिसिंग है, सी नहीं है, सिर्फ बी है. अच्छा, अच्छा तो इसमें है कि स्टार्ट करना है आपने वेरिएबल्स डाल के. ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि जो वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो उसको बार के साथ भी ऐड करना है, उसको विदाउट बार भी ऐड करना है. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे सी मिसिंग है, अच्छा जो वेरिएबल ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको आपने नहीं छेड़ना, उनको जैसे हैं एज इट इज़ 100 दफ़ा लिखना है तो 100 दफ़ा लिखेंगे. आप सिर्फ बार और विदाउट बार की कंडीशन उन पर अप्लाई करते हैं जो आप जो मिसिंग वेरिएबल्स आप ऐड करें. जैसे यहाँ पे सी मिसिंग है तो आप सी को एक दफ़ा जो है वो विदाउट बार लिखोगे और एक दफ़ा विद बार लिख दोगे. ठीक है, अब इसके अंदर बी मिसिंग है तो एक दफ़ा जो है वो हम बी को बार के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा विदाउट बार के साथ लिख देंगे. आपने ना आखिरी टर्म को ना सिर्फ सी बार सिर्फ ए बार का, बेसिकली मैंने ना इक्वेशन लिखी ए बार की और बाद में मैंने शायद उस पर सी बार लगा दिया होगा, तो वो ना फिर मैंने बी और सी के साथ ही सॉल्व किया. तो सही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ए बार लगा दिया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पूरी हो गई, सेकंड टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है, थर्ड टर्म में दो वेरिएबल मिसिंग है, बी और सी मिसिंग है. अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको फाइंड आउट करना है ना कि आपने कॉम्बिनेशन सही बनाए हैं या नहीं बनाए, तो जितने वेरिएबल्स मिसिंग है ना उसको 2 की पावर n रख के जो आंसर आते हैं ना उतने आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग है 2 की पावर 1 2, दो कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए इस वाले पार्ट के. ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस इस वाले पार्ट में कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है तो एक ही कॉम्बिनेशन है, इसके दो कॉम्बिनेशन बनेंगे. और जो ये है ना इसमें दो वेरिएबल मिसिंग है तो 2 की पावर 2 रख के आंसर क्या आएगा, 4 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी आ गई कॉम्बिनेशन बन के. फिर जब आपके पास पूरी एक्सप्रेशन बन जाती है तो आप ये भी चेक करते हो कि उसमें कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है, जैसे ये ए बी सी और ये ए बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों की रिपीटेशन को आपने रोकना है और कैंसिल आउट नहीं कर देना, बस इन दोनों को एक दफ़ा लिख देना है. ठीक है, इन दोनों को एक दफ़ा लिख देना. ठीक है, जैसे कार्नोफ में भी रूल होता है ए इंटू ए का आंसर ए आता है, तो फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर कर लो ए, इसको कंसीडर कर लो ए, ए इंटू ए का आंसर ए आता है, तो एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे. सही है, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगी बन के. ठीक है, अब इसी तरह से वो जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम सिर्फ बता रहे थे, तो इसके अंदर ना हमने सॉप यूज़ किया. यहाँ पे जो है फिर अलग से भी है कि सॉप को कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब ये पॉस आ गए. ठीक है, पॉस को कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक और मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ. अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ए बार प्लस बी सी प्लस बी बार, ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ी है. अब इसके अंदर रिपीटेशन को कैसे रोकना है ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि कार्नोव मैप ड्रॉ करो. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कार्नोव मैप बनाने को कहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कहा तो एक कार्नोव मैप ड्रॉ करो 4 वेरिएबल का,
उसमें एक 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 वेरिएबल की जगह ना वन लगाते जाओ, ठीक है? तो कहीं कोई वैल्यू जब रिपीट होगी ना, तो आप जब यहाँ एक्सप्रेशन से देख के उसको कार्नोफ मैप पे वन लगाने जाओगे ना, तो उसकी जगह पे वन ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो जब वन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ से कट करके नीचे लिखते जाओ, ठीक है? तो अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, तो आप क्या करना, जब यहाँ तक आपने बना ली, अब जब इसका फाइनल वर्जन बनाना है ना, तो इसकी जगह को छोड़ देना, नीचे कार्नोफ मैप ड्रॉ करना, एक एक करके जो है वो लिखते जाना लिखते जाना, जो जो रिपीट हो रहा है, जहाँ जहाँ वन लिखा हुआ है उसको फिर आप दोबारा से नहीं लिखना, और फिर आगे बढ़ के लिखते जाना। तो क्या होगा, आप आपका कार्नोफ मैप भी बन गया, और आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक प्रॉपर वे में भी आ गए, ठीक है? कोई रिपीटेशन भी नहीं हुई, कोई टेंशन भी नहीं हुई। अच्छा, पॉज का भी सेम ऐसे ही है जैसे सॉप का है। कार्नोफ मैप है, कार्नोफ मैप हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, 3 वेरिएबल का होता है, इस तरह से बनता है। 4 वेरिएबल का होता है, इस तरह से बनता है। अच्छा, कार्नोफ मैप 5 वेरिएबल का भी होता है, इसका बुक के अंदर जिक्र था लेकिन लिखा हुआ नहीं था कि 5 वेरिएबल बनता कैसे, ना ही हमें टीचर ने पढ़ाया है। बस एक ध्यान में रखिएगा कि होता है 5 वेरिएबल का भी, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन, ठीक है? अच्छा देखो, यहाँ पे ना हेडिंग ये है, मैपिंग अ स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन, ठीक है? क्योंकि कार्नोफ मैप को एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन चाहिए होती है, ठीक है? वो सॉप हो या पॉस हो, तो ये आपका पूरा कार्नोफ मैप बन गया, ठीक है? कार्नोफ मैप में अगर कोई मसला है तो पूछ लें, मैं अभी बता दूंगी। अच्छा, एक सवाल था कि ना ट्रुथ टेबल क्यों बनाते हैं, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ट्रुथ टेबल बनाना, तो हम क्यों बनाते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है? एक तो हम ट्रुथ टेबल इसलिए बनाते हैं कि हम जो ये जो सर्किट बना रहे हैं ना, ये जो सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट की कौन सी कंडीशन पे एलईडी जलेगी, उसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यहाँ वन है, वन 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 वन, ठीक है? तो यहाँ क्या है, ये वन किस पे आ रहा है, जब ए बी सी तीनों हमारी ज़ीरो हैं। फिर वन कब आ रहा है, जब ए बी ज़ीरो है और जो सी है वो वन है, ठीक है? इसलिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि देखने के लिए हमारी किस कंडीशन पे एलईडी ग्लो करेगी। दूसरा ये कि जो है वो ट्रुथ टेबल इसलिए भी बनाते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है ना कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो, ठीक है? तो वो कंपेयर कैसे करते हैं, उसके लिए भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है? स्टैंडर्ड इक्वेशन का तो मतलब ही है कि हमारे सारे उसके अंदर वेरिएबल मौजूद हों। के मैपिंग की ग्रुपिंग और सर्किट, अच्छा ये ना मैं फिर लास्ट में बता दूंगी, क्योंकि ये मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ, आप शायद भूल गए होंगे, तो मैं ना ये लास्ट में बता दूंगी, ठीक है? अच्छा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ही है कि हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। और सिंप्लीफाइड का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड का मतलब है कि हमने जो कार्नोफ मैप बनाया है, उस कार्नोफ मैप का जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई थी, उसकी जो वो इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है? तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये हमने सिंपल इक्वेशन लिख ली, अब इसकी सिंप्लीफाइड बनाइए हमने कार्नोफ मैप पे ग्रुपिंग करके, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि ग्रुपिंग कैसे की है। ये इक्वेशन है, क्या है हमारी, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ठीक है? तो ये हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वेशन कैसे, वो कार्नोफ मैप पे कैसे किया कि ए बी सी, ए बी ये रहा और सी जो है वो ये रहा, तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया। फिर है ए बी बार सी, ए बी का बार और सी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया। फिर है ए का बार बी सी का बार, ए का बार बी सी का बार, यहाँ पे वन कर दिया। ग्रुपिंग ऐसी कि ये दोनों वन जो हैं वो आसपास थे, ठीक है, बिल्कुल ही क्लोज थे, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। इस वन का जो है वो किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा था, तो ये वन ऐसे ही रह गया, ठीक है? तो ये ऐसे ही रह गया और इसका हमने ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना के हमने इसकी
सिंप्लीफाइड सॉप कैसे निकाली है, ये जो था ये ऐसे ही वन रह गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार हमने ऐसे ही लिख दिया। इसकी क्या बन रही है कि ए इंटू ए जो है वो ए आ गया, बी इंटू बी बार जो है कैंसिल आउट हो गया, और ये सी इंटू सी सी आ गया। तो ये क्या हमारी इक्वेशन बन गई, ए इंटू सी, ठीक है, ये हमारी सिंप्लीफाइड सॉप आ गई। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल में हमने जो है वो सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जिसमें ये तो हमने इनपुट ली हैं, बार यूज़ हो रहा है तो इसलिए तीनों का बार निकाल लिया। अब हमारी स्टैंडर्ड क्या थी इक्वेशन, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, तो सबसे पहले ए बी सी निकाला, फिर ए बी बार सी निकाला, फिर ए बार बी सी बार निकाला, और फिर इन तीनों का और करके जो है वो हमने आउटपुट निकाला, तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने जो है वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन का निकाला, ठीक है। सिंप्लीफाइड इक्वेशन में जो है वो क्या था, ए बी ए बार बी सी बार प्लस ए सी, ठीक है, तो ए बार बी सी बार निकाला, ए सी निकाला, ठीक है। तो इसका जब हमने आउटपुट निकाला, तो इसके आउटपुट को और इसके आउटपुट को दोनों को कंपेयर करें, तो शुरू में दोनों के ज़ीरो हैं, थर्ड पे वन है, फिर दो ज़ीरो हैं, ठीक है, फिर वन है, फिर ज़ीरो है, फिर वन है, फिर वन है, फिर ज़ीरो है, वन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन और सिंप्लीफाइड इक्वेशन इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर हमारी ये इक्वल नहीं आती ना, तो हमने कार्नोफ मैप की कार्नोफ मैप में कोई गलती की है, ठीक है। अगर इक्वल आती है तो हमारी कार्नोफ मैपिंग परफेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो हमने कोई गलती की है, ठीक है। अच्छा, हमारी ना मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो जैसे ही ख़त्म हो तो इसी मीटिंग को जो लिंक दिया था ना, उसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लिएगा। अच्छा, अब आती है हमारे पास डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन बेसिकली क्या होता है कि ये तस्वीर को गौर से देखें, ये ना 16 बिट का ट्रुथ टेबल है, 4 बिट वेरिएबल का 16 बिट ट्रुथ टेबल है। इसमें जो डेसिमल नंबर है, फर्स्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सही है, 10 से लेके 15 तक जो है वो हमारे आउटपुट में क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो था हमारे पास 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, लेकिन 10 से लेके 15 तक हमारे पास क्रॉस आ रहे हैं। तो ये जो क्रॉस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। अब ये जो क्रॉस होते हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ये हमें फ़ायदा कैसे देते हैं, फ़ायदा ये कुछ हमें इस तरह से देते हैं। अच्छा, ये डोंट केयर कंडीशन हमेशा कार्नोफ मैप पे अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये फ़ायदा ही हमें कार्नोफ मैप में दे दिए, तो कार्नोफ मैप पे अप्लाई होती है। इसमें ये होता है कि ये जो है ना, ये